हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट डाली है जिस सरकार को, जिसमें बताया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। तो क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये मुद्दा काफी समय से सुनने में चला आ रहा है। इसको लेके लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये मुद्दा किस चीज को लेके है, ऐसे कौन से लॉज है उनके बारे में इसमें कुछ बात की गई है। उसके अलावा यहाँ पे लॉ कमीशन के बारे में भी बात की है, तो मैं दोनों चीजों के बारे में यहाँ पे एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, दरअसल हुआ क्या है, बेसिकली लॉ कमीशन सीक्स सजेशन रिकमेंडेशन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स विद इन 30 डेज। तो जो लॉ कमीशन होता है, बेसिकली सरकार के द्वारा बनाया जाता है लॉ कमीशन। तो पहले मैं लॉ कमीशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। लॉ कमीशन जो होता है, ये सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। ना तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ना ही स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। ये बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, यानी कि सरकार के द्वारा बनाया गया एक रिकमेंडेटेड एक बॉडी होती है जो लीगल मैटर्स पे बात करती है, डिस्कशन करती है। कमेटी बनाई जाती है, कमीशन होता है, और वो 3 साल के लिए बनाया जाता है। और फिर वो किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड मुद्दा हो या कोई भी लॉ लीगल मुद्दा होगा, उसके रिलेटेड यहाँ पे ये कमीशन होता है जिसपे ये लीगल मैटर्स पे सरकार को अपनी सलाह देती है। तो 3 साल के लिए ये गठित किया जाता है ये कमीशन। अब इस कमीशन ने क्या बताया, इस कमीशन ने बताया ये 22nd लॉ कमीशन है। इससे पहले भी एक कमीशन आया था सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, 21st लॉ कमीशन, जिसमें 2015 में स्टार्ट हुआ था और 2018 में इसने रिकमेंडेशन दी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अभी जो 22nd लॉ कमीशन आया है, उसने रिकमेंड किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना कहीं ना कहीं कुछ हद तक बहुत सही होगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है बेसिकली एक यूनिफॉर्म लॉ लाना पूरी कंट्री के लिए। अब आप यहां पे कहेंगे कि लॉ तो हमारे देश में सबके लिए बराबर है, इक्वल लॉ इक्वल राइट्स। नहीं जी, नहीं दोस्तों, बेसिकली ये जो लॉ है मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं, वो है हमारे सिविल मैटर्स के लॉ जो होते हैं, जैसे कि हमारे मैरिजेस हैं, डाइवोर्स हैं, इनहेरिटेंस है, अडॉप्शंस हैं, इन लॉ से रिलेटेड। जैसे अगर मैं बात करूं मैरिज की, तो हिंदू लॉ इसमें अलग वर्क करता है, मुस्लिम लॉ अलग वर्क करता है। फिर मैं बात करूंगा डाइवोर्स की, तो डाइवोर्स के भी अलग अलग लॉ हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है, और ये बताया है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, यानी कि हर एक रिलीजन के लिए एक सिविल, एक इक्वल लॉ जो सभी लोगों पे एप्लीकेबल होगा। किसी धर्म से रिलेटेड इसका कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से हमारी कंट्री है सेकुलर कंट्री है, तो उसमें लॉ भी हर धर्म के लिए एक जैसा होना चाहिए, उसके पर्सनल लॉ भी। और ये इवन आर्टिकल 44 यानी कि हमारे डायरेक्टिव डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कहता है, आर्टिकल 44, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सेलेक्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द कंट्री। तो यानी कि कोशिश की जाएगी, मतलब एक ऐसा कोशिश की जाए, उसमें वर्ड आपने देखा होगा स्टेट शैल, तो यानी कि कोशिश की जाए ताकि स्टेट को किसी भी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाया जाए, यानी कि जो लॉ है वो सबके लिए एक बराबर होगा अगर वो सिविल मैटर्स की बात की जाए। तो दोस्तों, ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इवन बताया जा रहा है कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है अभी सेंटर में, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी, उन्होंने भी ये काफी समय से मुद्दा चलता चला आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और अगले साल इलेक्शन भी है 2024 में। तो कहीं ना कहीं लग रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। और जिस तरीके से अभी रिपोर्ट आई है जो न्यूज में काफी हाईलाइटेड में है, तो ये देखा जाएगा और ये अनुमान लगाया भी जा सकता है कि हो सकता है 2024 के इलेक्शन से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा तो इसमें हो सकता है काफी सारे परेशानियां होंगी, लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि ये एक रिलीजियस सेंटीमेंट को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो दोस्तों, होगा क्या वो तो आने वाले समय में बताएंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे कमेंट सेक्शन में इसको लेके अपनी एडवाइस दें, क्या आना सही होगा या नहीं होगा, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सारे व्यूअर्स से कि प्लीज उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।